अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपने मिनी जूम में पौधे लगाऊंगा और हरा भरा करूंगा अपने मिनी जूम को, तो फाइनली वो इंशाल्लाह वो दिन बहुत नज़दीक आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैं अपने मिनी जूम में बर्ड्स के लिए सेटअप लगाया, आपने देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दें कि ये मेरा सेटअप कैसा लगा आपको। सबसे पहले तो आज देख लें, माशाल्लाह से तकरीबन एक हफ्ता हो गया, बारिश डेली आती है और जब थोड़ी थोड़ी आती है रुक जाती है, फिर सारा दिन बारिश चलता रहता है। ये देखें मौसम, सबसे पहले आपको मौसम दिखाते हैं। ब्यूटीफुल ज़बरदस्त लोकेशन वाला मौसम है और बरसात वाला ज़बरदस्त। कूलर वगैरह चलता नहीं है, वैसे पड़ा हुआ है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो स्प्रे वगैरह इनके लिए लेते हैं, फिर चला लेंगे इसको। ये देखें दोस्तों, जिसकी मैं आपको कह रहा था, ये पौधा, ये डेकोरेशन पीस ले लिया और ये भी ले लिया, खुशबू वाला पौधा है दोस्तों। माशाल्लाह इसके फूल ही बहुत ज़बरदस्त है, ये खुशबू वाला पौधा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देने हैं कि आपको ये नया पौधा मेरा कैसा लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त। दो है ना, इधर से लाइन आएगी और इधर तक जाएगी दोस्तों, ये सब मेरे ये पौधे लगेंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, बहुत तंगी हो रही है दोस्तों। इसे जंग लग गया सारे, स्टूल वगैरह कोई, कूलर वगैरह कोई, बिल्कुल ख़त्म हो गया पड़ा। इसका वजन भी नहीं है, मैं अकेला देखें एक हाथ से ना इसको उठा के इधर कर लेता हूँ, बहुत ख़राब हो गया, जंग वगैरह लग गया इसको। तो अब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मेरा मिनी जूम, देखें दोस्तों बहुत ही प्यारा लग रहा है। गमले बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, जब इधर सारे लग जाएंगे ना तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बन जाएगा। फिंचेस तो माशाल्लाह बैठे इधर, देखें हम यार एग से बेबी आया नहीं है, ये यार तेरे 7-8 एग बड़े हैं लेकिन अभी तक बेबी नहीं आए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकल आएंगे, तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे इसमें बेबी आ जाएंगे। बाकी फिंचेस सब एक साइड पर इकट्ठे होकर बैठेंगे लेकिन इधर बेबी आ जाएंगे 100%। 2-3 दिन में जैसे बेबी आएंगे फिर मैं अंदर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा इस मटकी में कितने बेबी हैं और नेक्स्ट मटेरियल कैसे बनाते हैं और इनके बेबी कैसे होते हैं, ये मैं आपको देखूँगा इंशाल्लाह, आप वेट कीजिएगा। बाकी हमारे लबर्स की आवाज़ भी नहीं आ रही आज, क्योंकि ये बहुत थोड़ी गर्मी भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि बारिश जैसी आई है ना तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गया खड़ा हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से, गर्मी आज बहुत है, हब्बस बहुत हो खड़ी है, यकीन कर पंखे के बगैर रह भी नहीं जा रहा, लेकिन बर्द खुशी खुशी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि गर्मी तो नहीं है लेकिन हब्बस हो खड़ी है, तो उसकी वजह से बहुत ही पसीना पसीना, यकीन कर पंखे के बाहर आया भी जाता है, जो ए सी वाले हैं वो तो ए सी से बाहर आए भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बेहतर हैं ए सी वालों से, क्योंकि हम रब की रहमत पर खड़े हैं और ठंडा ठंडा मौसम के मज़े ले रहे हैं। तो यार बर्ड्स ये वाले फिंचेस अपनी मचाई पड़े हैं और लबर्स भी अपनी मचाई हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आज मेरे जो ये लगे हुए ना, यकीन करें बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले एक था ये लेके आए थे, अब दूसरा ये हो गया, ऐसे करते करते तकरीबन 10 से 12 इस तरह के ले लेंगे अलग अलग हर वैरायटी के, ताकि परिंदे भी खुशी खुशी इसमें लाइफ इंजॉय करें और जो पौधे वगैरह ये भी एक सीज़न उन्हें फराहम करते रहें। तो यार बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। आपको कैसे लगे दोनों, वो तो आपने देख लिया था और ये भी, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है कि ये आपको कैसे लगे हैं। मुझे तो माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारे लगे हैं, नीचे से फूल भी निकल रहे हैं इसके। और दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये खुशबू वाले हैं, आप इसको बिल्कुल सांस करके देखें ना, खुशबू वाले हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यकीन करें बहुत ही खुशबू है यार इनकी, बहुत ही आला ज़बरदस्त खुशबू वाले हैं, और इसकी खुशबू नहीं है लेकिन इसकी बहुत है खुशबू। तो फिंची सब अपनी हांडियों में जा रहे हैं एग के ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इन्हें बेबी आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मटकी में कंफर्म नहीं है लेकिन एग आए हुए हैं, एग नहीं बेबी आए हुए हैं इस मटकी में जाके देखेंगे। अभी गर्मी बहुत है, यकीन करें ऊपर खड़ा भी नहीं जाता, और मेरी बस वीडियो बनाने की मजबूरी है क्योंकि आप लोगों में शेयर करनी होती है, लेकिन बहुत ही गर्मी है, यकीन करें खड़ा भी नहीं जा रहा। उस भाई ने अभी तक अपने कबूतर निकाले हैं लेकिन उड़ाए वगैरह नहीं है, मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन हवा है, और पंखा चला ले तो फिर हवा ठंडी लगती है और गर्मी महसूस नहीं होती, जिस तरह पंखे दबा रहे हैं जी तो गर्मी गर्मी लगती है बहुत ही। और अब क्या करना चाहिए, इस बर्ड की लाइट जला देते हैं, नहीं अभी नहीं जलाते यार, लाइट जलाएँगे तो फिर क्या होगा कि गर्मी हो जाती है, हबस हो जाती है, तो लाइट नहीं जलाते। बाकी इनकी सफाई वगैरह यार सुबह की थी मैंने, सारा गंदा एक साइड पे किया था, मैंने कहा शाम को आऊँगा इनकी सफाई करूँगा, लेकिन जैसे बारिश आई ना फिर वो एक साइड पे सारा इकट्ठा हो गया। तो यार ये भी करते हैं यार, ज़िंदगी में शुरू किया तो बहुत होती है, इंसान को टाइम मिलते हैं लेकिन निकालना पड़ता है, लेकिन कोशिश करूँगा यार मैं। बाकी ये वगैरह फटा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, नीचे हांडियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ही चलती है मेरे, लग जाएंगी हांडियाँ इस मिनी जूम में।
तो बहुत ही अच्छा अच्छा फील करेंगे ये बर्ड्स भी। और एग देंगे, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है एग का। जिस तरह एग आएंगे तो दिल को बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको पता है 2 महीने हो गए मैंने ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल रोक रखा है और ब्रीडिंग सीज़न भी आउट है। अगस्त से लेकर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको अपने फार्म के एग भी और उनके बेबी जो निकलेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी तो बाय बाय हो गया, लव यू हो गया, लव बर्ड्स एंड लव यू हो गया फिंचेस। आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं जो ये लेके आया हूँ, तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि मेरे आपको ये वाले पौधे कैसे लगे हैं, ये वाले, ये दोनों में से आपको कौन से अच्छे लगे हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है दोस्तों, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं ये वाले। बाकी लव यू हो गया दोस्तों। अगर आज की आपको छोटी सी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल रोदन मदियात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देने कि आपको पौधे कौन कौन से अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए पौधे भी ले आएंगे। बाकी लव यू हो गया यार। ये छिपकली बहुत तंग किया हुआ, देखें ये, देखें ये, देखें गैप हो जाती है, एकदम से आती है एकदम से गैप हो जाती है, बहुत तंग कर रखे हो नाक दम कर रखा हुआ, बहुत ही खतरा होता है इधर पानी पड़ा हुआ नीचे और छिपकली ने तो बस नाक पर दम कर रखा है।